आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का छठवां भाग लेकर आ रहे हैं। यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए इस ऐप पर जाना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पर मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी, अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? मतलब कि जितना हम प्रयास करके यहाँ पे धरती पे करते हैं, उतना प्रयास अगर हम चंद्रमा पे करें तो वहाँ पे हम ज़्यादा ऊंचाई तक उछल सकते हैं, क्यों? इस क्वेश्चन के पूछने का ये मतलब है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, हमें अगर कोई भी चीज़ धरती की तरफ खींचता है तो वो है स्मॉल जी। स्मॉल जी मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू कितना होती है धरती पर? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसे लगभग 10 के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें कि धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया, और ऐसा नहीं है कि न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण बल लगता ही नहीं था, तब भी लगता था, लेकिन न्यूटन के द्वारा इसे बताया गया। अब होता क्या है कि यदि आपसे हम W और M में फ़र्क पूछ लें तो हो सके तो आप में से कई लोग बता पाएंगे और कुछ लोग नहीं भी बता पाएंगे कि W और M में क्या फ़र्क है। W बराबर आपका होता है भार और M बराबर आपका होता है द्रव्यमान, अगर हिंदी में बात करें तो वेट और मास। W बराबर होता क्या है कि W बराबर होता है mg, और M तो M है ही। जैसे कि अगर आपका द्रव्यमान धरती पर, अगर मान लीजिए 20 का है, 20 किलो का है, तो यहाँ पे जो आपका भार होगा W होगा, W बराबर क्या होता है mg होता है, यानी कि 20 गुणे जी का मान अगर हम 9.8 की बजाय लगभग में 10 रख दें तो यहाँ पे आपका वजन हो जाएगा लगभग 200 किलो। यानी कि आप धरती पर तो 200 किलो के हो गए, लेकिन अगर हम चंद्रमा के बारे में बात करें तो चंद्रमा पर जो जी की वैल्यू होती है वो g/6 होता है धरती की अपेक्षा। मतलब कि जो चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो धरती का छठवां भाग लगता है इस तरह। तो यानी कि अगर यही व्यक्ति वहाँ पे चला जाता है, बात करें चंद्रमा पे, तो उसका भार हो जाएगा W बराबर 20 गुणे, अब जी की वैल्यू 1/6 हो गई, मतलब कि इतना जितना लगा है यहाँ पे इसका 6 हो गई, 10/6, यानी कि 200/6, यानी कि लगभग लगभग 30 किलो का। यानी कि जो व्यक्ति धरती पे कितना था 200 किलो का, वो चंद्रमा पे महसूस होगा उसको इतना वजन 30 किलो। यानी कि आप देखेंगे कि आपको यहाँ इतना वजन को लेके उछाल मारना है और वहाँ पे वही वजन कम हो जा रहा है। तो इसलिए, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम है, इसीलिए वहाँ पे व्यक्ति ज़्यादा उछल सकता है। इस क्वेश्चन में हमने ये समझाने की कोशिश की है कि चंद्रमा पे जी का मान g/6 होता है धरती की अपेक्षा, और ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है, जो कि शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो ये है रेह। अगर आप गांव से हैं या फिर आपके आसपास कहीं पर कोई भट्ठा रहा होगा, भट्ठा मतलब कि ईंट पकाने वाला, तो वहाँ पे आप रेह के बारे में सुने होंगे। आज से 10 साल पहले या फिर 8 साल पहले इसका यूज होता था कपड़ा धोने में। आज तो मान लीजिए कि डिटर्जेंट का यूज होता है, लेकिन उस समय इसी का हम यूज करते थे कपड़ा धोने में। अगला है कि महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो गांधी जी ने कभी नहीं कहा था कि राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रख देना चाहिए। गांधी जी से वैसे तो कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, और 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और इसीलिए हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ें तो अगला है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग जो कि 2015 तक था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया नीति आयोग। तो यहाँ पे आपसे अगर नीति आयोग भी पूछ लिया जाए कि नीति आयोग का हेड कौन होता है, तो ये भी हमेशा मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री ही होंगे, हालांकि इनके एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले आपको बता दें कि योजना आयोग का कार्यकाल 5 साल का होता था, और योजना और नीति आयोग में केवल नाम ही में नहीं, काम में भी डिफरेंस है।
योजना आयोग 5 साल के लिए सरकार की योजना बनाता था, लेकिन नीति आयोग सरकार को सिफारिश करती है, बताती है कि अगर आप इस तरह काम करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। जो भी कैबिनेट का मीटिंग होगी उसके हेड होंगे, मतलब उसके चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर। होता क्या है कि कभी कभी प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं रहते हैं तो जो भी वहाँ पे बड़े मंत्री हैं उनको बनाया जा सकता है, लेकिन अधिक मामलों में देखा गया है कि जब भी प्रधानमंत्री विदेशी दौरों से भारत आते हैं तो उस समय एक कैबिनेट की बैठक होती है। वैसे इस समय तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। आगे बढ़ें तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 5 साल, जो कि पूरी तरह गलत है। आप भी अगर परीक्षा में 5 साल ही ऑप्शन मिले, 5 साल, 10 साल, 8 साल और 6 साल, तो आप भी 5 साल को ट्रिक कर लीजिएगा। जैसे अगर इस तरह का ऑप्शन मिल जाता है तो आप भी 5 साल को ट्रिक कर सकते हैं, लेकिन आपको जानना होगा कि कितना हद तक सही है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो 5 साल वाली बात है ये उतनी सही नहीं है। दरअसल होता क्या है कि प्रधानमंत्री कब तक प्रधानमंत्री रहेगा, तो प्रधानमंत्री अगर यहाँ पे केवल प्रधानमंत्री की बात किया जाए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो प्रधानमंत्री तभी तक प्रधानमंत्री बना रहेगा जब तक कि उसे बहुमत प्राप्त है, बहुमत जब तक उनके पास है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2-3 दलों ने मिल करके एक प्रधानमंत्री बनाया है, क्योंकि इनके पास बहुमत हो जा रहा है, 3 दलों को मिला के 272 प्लस हो जा रहा है। अब 3 दलों ने 6 महीने के बाद ही एक दल ने अपना जो हाथ है खींच लिया और अगले पार्टी से जाके मिल गया, तो इस समय इनके पास बहुमत नहीं है और इस समय इनको अपना फ्लोर टेस्ट देना होगा, और उस समय ये फेल होते हैं तो उसी दिन ये प्रधानमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर आपको इस तरह के ऑप्शन दिए जाएँ तो आप भी 5 साल ट्रिक करके ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे मोरारजी देसाई। ये स्टैटिक जी के है, जैसे कि पहले व्यक्ति कौन थे, पहली महिला कौन थी, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इस तरह के लिए हमने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। और अगर आप हमें कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आप देखे होंगे कि हमने इस तरह की कई वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। अगला है कि अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पे रहते हुए हो गई है, तो ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं, जैसे कि राजीव गांधी है, राजीव गांधी की नहीं हुई थी, इंदिरा गांधी है, और उसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू की भी अपने पद पे ही रहते हुए मृत्यु हुई थी। प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, मतलब कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं CJI, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज को शपथ कौन दिलाएगा, तो इनको शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति। तो इस तरह सब कम्बिनेशन बना हुआ है भारतीय संविधान में। तो यहाँ पे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये होते हैं राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना हो तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा हमेशा उपराष्ट्रपति को, और ज़रूरी है कि ये उनके सिग्नेचर के साथ उनके हैंडराइटिंग में हो। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था, तो ये थी इंदिरा गांधी। और जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। यहाँ पे मिस टाइपिंग है, तो गुलजारी लाल नंदा थे जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास रहती है, तो ये होता है प्रधानमंत्री के पास। हालांकि ये भी उतना सटीक उत्तर नहीं है, आपको हम बता दे रहे हैं कैसे। दरअसल होता क्या है कि हमारे संसदीय प्रणाली में हम सबसे बड़ा हेड किसको मानते हैं, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति, तो ये प्रधानमंत्री के पास है। हालांकि ये भी पूरी तरह प्रधानमंत्री के पास नहीं होता है, सबसे बड़ी पावर होती है कैबिनेट के पास। जो कैबिनेट होती है और जिसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं, इनके पास होती है सबसे बड़ी पावर। आगे है कि सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो ये थे राजीव गांधी। अब देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र सीमा कितनी हो सकती है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए 25 साल।
तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री लोकसभा का ही हो, क्योंकि ये लोकसभा की हम बात कर रहे थे कि लोकसभा में कम से कम चुनाव में भाग लेने के लिए आपको 25 साल होना जरूरी है। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा में कितना होना चाहिए, तो राज्यसभा में होता है 30 साल। तो एक व्यक्ति या तो राज्यसभा का हो या फिर लोकसभा का हो, उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा। हमें कमेंट करके बताइए कि राज्यपाल की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। राज्यपाल की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र क्या होगी ताकि उसे राज्यपाल बनाया जा सके। अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि किस प्रधानमंत्री के नियुक्ति के समय वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो ये थे एच डी देवगौड़ा हैं। और आपको बता दें कि भारत की संसदीय प्रणाली में एक ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य नहीं है, तब भी उसे प्रधानमंत्री या फिर कोई भी मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते कि अगले 6 महीने में उसको लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी होगा। आगे बढ़ते हैं। तो कौन से प्रधानमंत्री एक दिन भी संसद नहीं गए। तो ये थे चौधरी चरण सिंह। और देखिए, संसद के भी कई रूल हैं। संसद में क्या है कि आप 6 महीने तक नहीं जा सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य ही नहीं है, वो संसद क्या जाएगा। हालांकि आपको बता दें, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर आपके दिमाग में भी आता होगा कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो क्या वो राज्यसभा में बैठ सकता है। तो हाँ, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होगा तब भी वो राज्यसभा में बैठ सकता है, बशर्ते कि वोटिंग वाली कंडीशन में वो वोट नहीं दे पाएगा। क्या होता है कि कभी कभी कुछ प्रश्नों के जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर किसी भी मंत्री को लोकसभा या राज्यसभा में बैठना पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति का प्रावधान दिया गया है, मतलब कि मंत्री कैसे नियुक्त होंगे, कैसे हटाए जाएंगे। तो ये है अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 370, जो कि अब एक इतिहास बन चुका है। ये अभी अभी हटाया जा चुका है 5 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के संविधान निर्माता भी माने जाते हैं। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। आपको बता दें कि बात हो रही है 1947 से लेके 50 के बीच की। आगे बढ़ते हैं। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी रहेगा तो उसे दिलाएंगे हमेशा और हमेशा प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है। तो ये है प्रधानमंत्री में, क्योंकि ये कैबिनेट के जो भी मिनिस्टर होते हैं, उनकी जो भी मीटिंग होती है, उनके हेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो ये किया जाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं 75 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हमेशा और हमेशा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। देखिए, दरअसल होता क्या है कि जो लोकसभा होती है उसमें कितने मेंबर हैं, तो 552 मैक्सिमम हो सकते हैं। हालांकि 543 पद पर ही चुनाव होते हैं। तो इसमें जो बहुमत दल का नेता होगा, चाहे एक ही पार्टी को बहुमत मिला हो या फिर कई पार्टियों को मिला करके, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यहाँ पर एक विपक्ष के नेता भी होते हैं, और जो कि इस समय कोई नहीं है। विपक्ष का नेता का मतलब कि विपक्ष का नेता बनने के लिए जरूरी है कि उनके पास 55 सांसद हों। कितने सांसद, 55। 55 कहाँ से आ गया, तो यह है 1/10, जैसे कि 550 का 1/10। तो अगर 55 मेंबर है आपके पास केवल एक ही पार्टी का, ऐसा नहीं कि दो पार्टियों को मिला करके 55 हो गया, ऐसा नहीं। तो बस किसी भी एक पार्टी के पास अगर 55 मेंबर हैं, तो वो लोकसभा में विपक्ष के नेता बन सकते हैं। हालांकि वैसे तो आप देखेंगे कि हर एक पार्टी लोकसभा में अपना अपना नेता बनाती है, लेकिन उन्हें विपक्ष के नेता का स्थान तभी मिलेगा जब कम से कम 55 मेंबरों का उनको सपोर्ट होगा। सपोर्ट नहीं, उसी पार्टी के होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये होते हैं लोकसभा के, क्योंकि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं अपना जवाब लोकसभा में ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है। तो ये होती है मंत्रिपरिषद में, जैसा कि हमने अभी बताया था आपको कि प्रधानमंत्री से ज़्यादा पावरफुल उनकी कैबिनेट होती है। तो ये मंत्रिपरिषद में सबसे ज़्यादा सत्ता का पावर होता है।
आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना क्या है, मतलब कि आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या फिर आप अपने मोबाइल यूज कर रहे हैं और वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद बंद हो के तुरंत चालू हो जा रहा है, तो इससे क्या है, इसमें वायरस हो सकता है। ईडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन कंप्यूटर से है। तो ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इस तरह कई फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कंप्यूटर से, जैसे कि रोम पूछ लिया जाएगा, रैंडम, ये रीड होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, और अगर आपसे रैम का पूछ लिया जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का पूछा जाता है कई बार, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में निर्मित प्रथम परम कंप्यूटर या किस तरह कंप्यूटर है, तो परम कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है, और माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, तो ये है चौथी पीढ़ी के। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, मतलब कंप्यूटर कब से यूज किए जाने लगे, तो सही उत्तर है 1946। लेकिन ये केवल बना था, कंप्यूटर आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था, आम लोगों के लिए उपलब्ध होने लगा 1960 से। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और चलिए आप एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताइए, आज के लिए दूसरा क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है। और आपको बता दें नाम शुरू होता है सी से, सी बी, सी बी इस तरह इनका नाम है, आप इसका फुल फॉर्म कर दीजिए, बस आपको पता चल जाएगा। तो आशा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। तो कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ये है जवाहरलाल नेहरू। ये लगभग 1947 में ही प्रधानमंत्री बना दिए गए थे और इसके अलावा भी 3 बार ये रहे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 साल। 25 साल ही क्यों, क्योंकि लोकसभा का मेंबर होने के लिए कितना होगा, 25 साल, और राज्यसभा का मेंबर होने के लिए कम से कम 30 साल। और अभी हमने आपसे गवर्नर का पूछा था, तो गवर्नर के लिए या फिर प्रेसिडेंट के लिए, तो 35 साल, ये पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई, जो संसदीय शासन प्रणाली है हमारे यहाँ भी, ये सबसे पहले लागू हुई ब्रिटेन में, और जो हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा का जो आप फॉर्मेट देखते हैं ये हमने ब्रिटेन से लिया है, वहाँ पर भी इसी तरह चलता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है, तो ये 6 महीना, मतलब कि आप 6 महीना तक रह सकते हैं, बस आप पे कोई क्रिमिनल केस नहीं होनी चाहिए, आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, पागल ना हो, तो इस तरह आप मतलब कि प्रधानमंत्री या फिर कोई भी मंत्री बनाए जा सकते हैं 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अगर आप लोकसभा या फिर राज्यसभा के मेंबर नहीं बन पाते हैं तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, चाहे आप कोई मंत्री पद पे हो या फिर प्रधानमंत्री पद पर ही क्यों ना हो। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, मतलब कि F1, F2, F3 की बात की गई है, तो ये होता है F12 तक, मतलब कि 12 होती है। आगे बढ़ें। तो कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई लाइनों के कोड को क्या कहते हैं, तो इन्हें हम बार कोड कहते हैं। आपने देखा होगा हम जब कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उस पर कुछ इस तरह की लाइनें होती हैं, यहाँ पे 4, 6, 7 इस तरह कुछ टाइप होता है, तो इन्हें हम बार कोड कहते हैं। इनको जो पढ़ता है उनको हम बार कोड रीडर कहते हैं, बार कोड रीडर। आगे बढ़ें। तो प्रकाश श्वसन का अवस्थर क्या है, तो यह है ग्लाइकोलेट। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है, तो भूस्खलन। आपने कई बार सुना होगा उत्तराखंड में जो सड़कें हैं भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो जाती हैं, मतलब कि धरती के कटान के कारण। वाष्पोत्सर्जन का संबंध किससे है, तो यह है ड्राई जोट्रोफा से। और चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है, ये होता है चीन में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडिया में किस स्टेट में होता है, इन इंडिया, तो ये है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल एक चीज़ के उत्पादन के लिए और जाना जाता है, जूट के। आगे बढ़ें। तो अगला है कि गांव से छोटे कस्बे और बाद में शहर तक लोगों के जाने को क्या कहते हैं। पहले कोई व्यक्ति गांव से छोटे कस्बे में आता है, इस कस्बे के बाद शहर में जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं चरणवार प्रवास। फ्लोरोसेंट लैंप में जो चौक का प्रयोजन क्या होता है, मतलब कि जो
जो हम चोक यूज करते हैं, जो मतलब कि आपने अगर ट्यूबलाइट देखा हो, ट्यूबलाइट में आप देखते हैं जो शादी उदी में लगाई जाती हैं, वहाँ पे एक चोक लगा होता है, तो ये करंट के प्रवाह को कम करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए इसे लगाया जाता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। और प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये थे सिराजुद्दौला, प्लासी के युद्ध के समय। तो चलिए आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कमेंट करके बताइए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये आज के लिए आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इसका उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। तो नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। अब देखिए, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। और गुलामों का गुलाम कहने का कारण क्या है कि आप देखेंगे कि सबसे पहले 1208-6 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और ये केवल 4 साल तक रह पाया, 1210 तक। चौगान खेलते हुए इसकी डेथ हो गई लाहौर में, और इसका गुलाम था, जैसे कि पहले आपको बता दें कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात कर रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ये खुद गुलाम था, अब इसका गुलाम था इल्तुतमिश। तो होता क्या है कि जब ये मरता है तो इल्तुतमिश बनता है, तो जो गुलाम का गुलाम हो उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। हालांकि ये 1236 से लेकर के 1210 से लेकर के 1236 तक राज किया, और 1236 से लेकर के 1240 तक राज किया रजिया सुल्तान ने, जो कि दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। तो इस तरह गुलाम वंश चला 1206 से लेकर 1290 तक। तो ये था इल्तुतमिश, जो मृदु सिलवरी धात्विक तत्व गर्म होने पर, प्रकाश में गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रखने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो सीजियम होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है? तो यह है तेजस। तेजस के नाम से अभी हम ट्रेन भी चला रहे हैं, जो कि अभी प्राइवेट के तौर पे IRCTC को देने का स्टार्टिंग की गई है भारत सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जैसे कि आप इसका उत्तर जान लीजिए, पहले लोकसभा अध्यक्ष करता है। आपको बता दें इसके बारे में एक पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले आपको बता दें कि ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, और इसके लिए आर्टिकल 108 काम करता है, आर्टिकल 108। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे हमने बना दिया लोकसभा, एक कहानी बता रहे हैं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये होता है राज्यसभा, इसमें है 550 लोग, इसमें है 250 लोग, ठीक। यहाँ पर कोई भी बिल पास नहीं हो पा रही है, क्योंकि पास होने के लिए 272 चाहिए, और कोई अगर स्पेशल बिल होती है तो उसको जैसे कि 50% से अधिक लोग चाहिए। और यहाँ पे अगर 272 तो सरकार के पास है, लेकिन कुछ लोग प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे ये बिल पास नहीं हो पा रही है। बाय द वे यहाँ से पास हो गई, लेकिन राज्यसभा में सरकार को बहुमत नहीं है, यहाँ पे किसी के पास भी 125 नहीं है, किसी के पास 120 है, किसी के पास 10 है। तो इस तरह में क्या होगा कि कोई भी बिल लोकसभा में पास हो जाएगी, लेकिन राज्यसभा में जाके रुक जाएगी, फिर लोकसभा में पास होगी, राज्यसभा में रुक जाएगी, और इसी तरह कई बार चलता रहा। और बिल महत्वपूर्ण है तो उसे पास कराने के लिए सरकार क्या करेगी कि राष्ट्रपति के द्वारा एक संयुक्त अधिवेशन की मांग करेगी। तो कभी कभी आपसे पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है? तो इसे बुलाने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। मान लीजिए इसमें सरकार के पास 300 है, जैसे कि इस समय है, तो यहाँ से तो पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में रुक जाएगा। तो सरकार अब संयुक्त अधिवेशन बुलाएगी, उसमें सभी लोग एक साथ बैठेंगे। तो अब 550 ये, 250 ये, मतलब कि कुल मिला के 800 लोग है। अब इसमें से 400 चाहिए, सरकार के पास 420 हो गए, और जो विपक्ष है उनके पास 380 हो गए। तो अब यहाँ पे ये बिल पास हो जाएगी, तो इसीलिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। हालांकि अगर आप संविधान का संशोधन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुला सकते, ये भी एक प्रावधान है। तो बुलाता तो है राष्ट्रपति, लेकिन जब कोई भी अधिवेशन होगा तो उसका एक हेड होगा जो चेयर पे बैठेगा ऊपर। तो ये कौन बैठता है? तो ये बैठता है हमेशा और हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। और आपको बता दें कि अभी तक केवल 3 बार बुलाया गया है,
क्योंकि सरकार के प्रति लोगों में एक गलत मैसेज आता है कि सरकार विपक्ष को लेकर काम नहीं कर पा रही है, इसीलिए इसे नहीं बुलाया जाता है। एक बार दहेज प्रथा में और एक बार बैंकिंग में और एक बार पोटा कानून में, इन्हें 3 बार अभी तक ये बुलाया जा चुका है संयुक्त अधिवेशन। आप ये जानिए कि यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जा सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है, लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होंगे। 2014 के मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, तो ये थे रिचर्ड फ्लैगनन। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पे है, तो ये है हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि गांधी जी की अध्यक्षता में 1 माह AICC अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये था बेलगांव। और आपको बता दें कि बेलगांव में 1924 में ही गांधी जी एक बार कांग्रेस के, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके अध्यक्ष बने थे, केवल एक बार। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गांधी जी कितने बार अध्यक्ष बने थे, तो गांधी जी केवल और केवल एक बार अध्यक्ष बनाए गए थे 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में। अगला है कि भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं में कौन सी 3 श्रेणियों में प्रावधान किए गए हैं, तो ये होता है प्रशासनिक, पुलिस और विदेश सेवाएं, जो बात हो रही है IAS IPS की। आगे बढ़ते हैं, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि DBMS में डाटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है, तो ये होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा के द्वारा इसकी स्थिति परिभाषित की जाती है। आगे बढ़ते हैं, तो डाटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, तो डाटा प्रोसेसिंग मतलब कि काम होना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई भी जानकारी तैयार करने को हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है, तो यह है अपार्टनेट। अपार्टनेट, और आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है अपार्टनेट। लिनक्स क्या है, लिनक्स तो यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जैसे कि विंडोज होता है। और अगर आप मैक के बारे में पूछा जाए कि मैक क्या है, तो यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, जो एप्पल कंपनी द्वारा बनाया जाता है, इसे हम मैक बोलते हैं। और जो विंडोज है, लिनक्स है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ट्रैक बाल किसका उदाहरण है, तो जिस तरह माउस यूज करते हैं उसी तरह ट्रैक बाल भी होता है। ट्रैक बाल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, तो वॉल स्ट्रीट किसका नाम है, तो यह न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वॉल स्ट्रीट। जैसे कि हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, उसी तरह न्यूयॉर्क का है, अमेरिका का, उसको हम वॉल स्ट्रीट बोलते हैं। कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, यह बुक किस पे आधारित है, मतलब कि जो विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, इनके कई नाम है, इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसके लिए है, मतलब किस क्षेत्र के लिए है, तो कई बार इसे इकोनॉमिक्स में लोग ट्रिक कर देते हैं, लेकिन यह राजनीतिक शासन कला पे आधारित है। जैव विविधता को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के रूप में। निम्नलिखित में से क्या अनिद्यमान वक्र का लक्षण नहीं है, तो ये एक दूसरे के अवतल होते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, और लाइक करने के साथ कम से कम प्रत्येक व्यक्ति एक लोगों को शेयर करिए, ताकि और लोगों तक ये वीडियो जा सके। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। वहाँ जाने पर आपको ढेर सारे PDF एक ही जगह मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस तरह के और भी पार्ट देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट चेक करिए या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा।